मौसम ने इस कदर अपना रुख अपनाया कि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। नमस्कार, प्रणाम, मैं सोनू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर जनपद में। बता दें कि विगत कुछ ही दिनों में मौसम ने इतना तेजी के साथ परिवर्तन हुआ है कि लोगों को जो इतना ठंड लग रहा है कि अब लोग जो है अपने घरों से निकलने के लिए काफ़ी संकोच कर रहे हैं। बता दें कि बाजारों में जो है सन्नाटा छाया हुआ है, दुकानदार जो हैं वो ग्राहकों के लिए टटकी लगा के बैठे हुए हैं कि कब दुकान पे जो है ग्राहक आएंगे जिससे परिवार का जीवन यापन चल सकेगा। बता दें कि जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे भी जो है हमेशा गाड़ियों का जो है आना जाना सिलसिला लगा रहता है, लेकिन आज का जो बता दें कि आज दो चार दिनों से जो है यहाँ पे भी गाड़ियों का आवागमन जो है कम हो गया है। चूँकि बाज़ारों की भी अगर हम बात करें तो वहाँ भी जो है लोगों को जो है बहुत जो ज़रूरी काम है, जिन्हें बहुत सामान खरीदना है या सामान खरीदने जरूरी है, वही लोग चूँकि घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। बता दें कि प्रशासन के द्वारा भी जो है अभी बाज़ारों में या गाँव में कहीं पर अलाव का व्यवस्था नहीं किया गया है, जिसके वजह से जो है बाज़ार में जो लोग जा रहे हैं उन्हें काफ़ी जो है ठंड लग रहा है, जिसके वजह से जो है उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन के द्वारा प्रशासन के लोग कब जो है बाजार या गाँव में जो है अलाव की व्यवस्था करते हैं। इसी पर हम बातचीत करते हैं गाँव के लोगों से, जो राहगीर हैं, जो बाजार के लोग हैं उनसे भी, कि उनका जो है इस पर क्या राय है। क्या नाम है आपका? लाल बिहारी कुशवाहा। इतना ठंड बढ़ गया है, इस ठंड में आप कहाँ निकले हुए हैं? ठंडी में तो गए थे बाजार से, बाजार से लौटे हैं कुछ दावा लेकर। पहले और अब में काफी जो है बहुत ज्यादा ठंड पड़, तो ठंड नहीं लग रहा है आपको? ठंड तो लग ही रहा है, तो क्या करेंगे, ठंड को जाना ही पड़ेगा जब काम है तो। पहले से ज्यादा ठंड बढ़ गया है? पहले से ज्यादा ठंड बढ़ गया है। कितना दिक्कत हो रहा है आने जाने में? आने जाने में तो बहुत दिक्कत हो रहा है। अलाव का व्यवस्था कहीं हुआ है? अलाव का नहीं, अलाव का तो व्यवस्था नहीं हुआ। ठंड काफी बढ़ गया है, इसमें लोग कैसे बचाव कर सकें? ये ठंड तो सही में काफ़ी बढ़ा हुआ है, और जब तक ठंड मौसम अनुकूल नहीं हो जाता तब तक जो है लोगों को ठंड से बचने के लिए एक उपाय करना चाहिए कि वो कम से कम अपने घरों से बाहर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ का इस्तेमाल करें, और अपने कपड़े जैसे ऊनी कपड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, रजाई के अंदर रहें, और अगर जो बाहर जाते भी हैं तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो अपने कहीं रुक करके जो है आग सेक सकते हैं, और इस प्रकार जो है ठंड से बचा जा सकता है। ठंड बढ़ जाने से कितना जो है दिक्कत हो रहा है? ठंड बढ़ने से जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है बुज़ुर्गों में देखने को मिलता है। अभी तो अगर जो मेडिकल की दृष्टि से देखा जाए तो ठंड के मौसम में जो है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या फिर स्ट्रोक का आना जो है कॉमन है, तो बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए जो है ठंड से जो है हमें लगता है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए, और उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहना चाहिए। और मैं जो है यंग लोगों से, जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो अपने घरों के जो बुज़ुर्ग हैं उनका जो है प्रॉपर, जिनका बीपी बढ़ता रहता है उनको जो है प्रॉपर हेल्थ चेकअप करवाएं, जिससे कि जो है उनको ठंड से जो है बचाया जा सकता है। ठंड बढ़ने से व्यापार पे कितना जो है इसका असर? ठंड के बढ़ने की वजह से व्यापारी जो है, व्यापारीगण जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित है, और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट निचले जो तबके के व्यापारी हैं, जिनका जो है जीवन यापन जो है रोज़मर्रा की जो चीज़ें बेचने की वजह से होता था, वो ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और कम से कम जो है मार्केट में चीज़ों को जो है बेचा जा रहा है, तो ठंड का प्रभाव तो व्यापारियों पे भी बहुत। कड़ाके की ठंड के वजह से व्यापार पे कितना इसका असर पड़ रहा है? देखिए, कड़ाके की ठंड में तो इस समय इतनी ज़्यादा ठंड है कि ठंड की वजह से तमाम ग्राहक घरों में से निकल नहीं रहे हैं, और हम लोग इसी तरह खाली बैठे हुए हैं, और ठंड में जो ग्राहक आ भी रहे हैं, इस ठंड के माहौल में इतनी ज़्यादा ठंड है कि हवा जो बर्फीली हवा चल रही है, इसका बहुत लोगों के अंदर दिक्कतें हो जा रही हैं, लोग ठिठुर जा रहे हैं, कांप रहे हैं, थरथरी जा रही है, और प्रशासन ने इसका प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? प्रशासन के द्वारा कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, ना कहीं अलाव जलाने कहीं का, ना कहीं कोई व्यवस्था है, ना कहीं किसी चौराहे पर देखिए पूरे मार्केट में मेरे कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है। अगर कहीं अलाव दो तीन जगह जलता तो ग्राहक मान लीजिए बाहर से आ रहा है, अगर उसको ठंडी लगी हुई है तो अपना हाथ सेक लेगा, स्वस्थ हो जाएगा, और उसके बाद फिर पुनः अपने घर को चला जाएगा। डर की मार नहीं निकल रहा है, कितने लंबे बाजार में जाएंगे, ठंडा लग जाएगा, बीमार हो जाऊँगा। आप व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, तो आपके द्वारा क्या अधिकारियों से वार्ता किया गया? देखिए, हम लोगों ने कई बार इसका मांग किया
लेकिन अभी तक कहीं कोई मतलब ना ग्राम सभा के द्वारा ना कहीं अन्य विभागों द्वारा उस पर कहीं कोई सुनवाई नहीं की गई। और वीडियो साहब भी जो है कि उनसे भी हम लोगों ने कहा कि अलाव की व्यवस्था हो, वीडियो साहब भी सुनने को तैयार नहीं है। इस कड़ाके की ठंड में वही लोग घरों से बाहर निकले जिन्हें कोई सामान खरीदना था। बता दें कि इस बाजार में आप जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि चारों तरफ जो है सन्नाटा छाया हुआ है। बता दें कि इस ठंड के वजह से जो है आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। चूंकि बता दें कि यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश किया तो उन्होंने बताया कि सामान खरीदने के लिए जो है घरों से हम लोग बाहर निकले और जैसे ही सामान की खरीदारी हुई तुरंत हम लोग अपने घर पे आ गए। अभी बता दें कि प्रशासन के द्वारा कोई गाँव में या बाजारों में जो है अलाव की व्यवस्था नहीं किया गया है, जिसके वजह से जो है आदमी को काफी दिक्कत हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन के द्वारा कब जो है बाजारों में अलाव या गांवों में जो है अलाव की व्यवस्था की जाती है जिससे लोगों को राहत मिल सके। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता, कुशीनगर।